नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर मनीष, आज की वीडियो में बात करूंगा आपसे स्नेक बाइट को लेकर के। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको सांप काट लेता है। देखिए, ऐसी स्थिति बहुत ही कम होती है। उसको सांप काटता है उस व्यक्ति को, अगर उसने सामने पहले से ही देख लिया कि भाई सांप काट के गया है, या परिवार के दूसरे लोगों ने देख लिया है कि भाई आसपास सांप था, तो फिर ऐसी स्थिति में तो बात कन्फर्म हो जाती है कि सांप ने काटा था। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें घर परिवार के लोगों को पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को या हमारे इस परिवार के व्यक्ति को अचानक से क्या दिक्कत होने लगी है, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि स्नेक सांप ने काट लिया है। तो देखिए, पहले ही वीडियो शुरू होते ही एक तो मैं आपको दे देता हूँ एक टिप्स, मतलब मेरी एक सलाह है कि जब ये बरसात के दिन होते हैं, वैसे नॉर्मल बरसात के दिनों में क्या होता है कि जो सांप वगैरह होते हैं इनके बिलों में पानी घुस जाता है, तो सांप जो है मजबूर हो जाते हैं बाहर आने के लिए। तो इन्हीं दिनों में ये सांप जो है लोगों को अक्सर काटते हैं। और इन दिनों में आपने देखा होगा कि जो घास होता है, घास भी उसकी उसकी जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको और ख़ुद भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही बरसात के दिन शुरू हो जाएँ तो जो ये झाड़ी वगैरह की जगह होती है या पार्क वगैरह जहाँ पर घास थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को आने जाने से रोकें और ख़ुद भी वहाँ पर ना जाएँ। देखिए, करंटली मैं रहता हूँ हरियाणा में। हरियाणा में जो है स्नेक बाइट काफ़ी है और यहाँ पर जो है सांप के काटने के बहुत ज़्यादा केस आते हैं, खास करके बरसात के दिनों में। तो ऐसी स्थिति में जब हॉस्पिटल में रोगी को लाया जाता है तो बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं कि उनके घर वाले बता ही नहीं पाते कि उनके मरीज को क्या हो गया। वो सिर्फ इमरजेंसी में अपने रोगी को लेकर के आते हैं और कुछ लक्षण बताते हैं, उन लक्षणों को देख करके डॉक्टर को पता चलता है और अनुमान लगाते हैं डॉक्टर भी शुरुआत में कि शायद ये जो रोगी है इसको सांप ने काटा है और ये सिर्फ एक बाइट का केस है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मन पिछले 2 या 3 साल से था। तो अब सीधे चलते हैं लक्षणों की ओर। लक्षण है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को देख करके जो है पता चलता है कि रोगी को सांप ने काट लिया है। रोगी जो होता है वो कई बार रोगी सुस्त होने लग जाता है, उसके शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका थका सा महसूस करता है, रोगी के पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो सकता है और रोगी को जो है कुछ भी खाने पीने में या कुछ भी चीज़ निगलने में परेशानी आने लग जाती है। ये होते हैं शुरुआत के लक्षण। फिर जो है यही लक्षण बढ़ने लग जाते हैं। कैसे बढ़ने लग जाते हैं कि रोगी जो पहले शरीर में कमजोरी महसूस कर रहा था, अब वो महसूस कर रहा है कि अब उसके हाथ पैर उठने धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। अब वो अपने हाथ पैरों को जब उठाने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और उसके हाथ पैर अब काम करना बंद करते जा रहे हैं। एक लक्षण हो गया ये। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आता है वो आता है कि इन रोगियों को पेट के अंदर भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये रोगी जो है बहुत ज़्यादा पेट में दर्द बताते रहते हैं, असहनीय है। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि ये रोगी गले के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द बताने लग जाते हैं। ये इनके जो मुंह में हमारी बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि हमारे मुंह में बहुत सारा थूक पैदा होता रहता है और इस थूक को हमें पता भी नहीं चलता, हम इसको जो है अपने पेट में पहुंचाते रहते हैं। ये एक नेचुरल प्राकृतिक क्रिया है और इसको हम सभी दिन में जो है नेचुरली करते रहते हैं, हमें इस बात चीज़ का पता नहीं होता। लेकिन जब सांप काट लेता है और निगलने में दिक्कत आती है रोगी को, तो उसका जो थूक होता है उसको भी वो पेट में नहीं पहुँचा पाता, तो वो जो थूक है वो उसके सांस की नली में जाने लग जाता है। ठीक है, उसको खांसी भी नहीं कर पाता रोगी अच्छे से, क्योंकि सांस की नली में अगर कुछ जाएगा तो आप खांसी करोगे। लेकिन ऐसी स्थिति में सारा का जो सारा शरीर है वो धीरे धीरे काम करना बंद करता जा रहा है, मसल्स काम करना बंद करती जा रही हैं, मसल्स में मांसपेशियों में पूरी बॉडी की लकवा होता जा रहा है और जो गला है, गले से कुछ भी पेशेंट रोगी निगल नहीं पाएगा, दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है। तो थूक जो है वो रोगी जैसे ही करवट करके लेटाओगे आप उसको, तो उसका जो थूक है वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नीचे टपकता रहेगा। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको देख करके पहचान की जा सकती है कि भाई इसको सांप ने काट लिया है। इसके मुख्य लक्षणों में एक लक्षण होता है टोसिस। टोसिस उस स्थिति को बोलते हैं जिसमें आँखें खुल नहीं पाती हैं। रोगी की जो आँखें हैं वो कितनी भी कोशिश करे, कितनी भी ताकत लगाए रोगी, अपनी आँखों की जो पलकें हैं उनको पूरी तरीके से खोल नहीं पाएगा। रोगी की आँखों की जो पलकें हैं वो कुछ इस प्रकार से बहुत हल्की सी खुली हुई मिलेंगी आपको, और आप रोगी को कहोगे कि भाई खोल आँखें, खोल, जोर लगाओ, ताकत लगाओ, लेकिन रोगी जो है कितनी भी ताकत लगाए वो पूरी आँख अपनी नहीं खोल पाएगा। इस स्थिति को बोलते हैं टोसिस, यानी कि आँख की जो आईलिड जो होती है उसमें एक प्रकार का पैरालिसिस जैसी स्थिति हो जाती है और वो गिर जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो टोसिस को देख करके, गले के दर्द को देख करके, पेट के दर्द को देख करके, हाथ पैरों की कमजोरी को देख करके, या फिर हाथ पैरों में जो लकवा होता है उसी स्थिति को देख करके आप पहचान कर सकते हैं और पूरा पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि रोगी को सांप ने काट लिया है। एक ऐसी स्थिति में सीरम पोटेशियम एक टेस्ट कराया जाता है। सीरम पोटेशियम से की कमी में भी कई बार जो है हाथ पैरों में लकवा हो जाता है, लेकिन आंखों वगैरह में और गले में ये इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं। तो ये जो मैंने लक्षण बताए हैं ये उस सांप के काटने से आते हैं जिसका जो जहर होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है, हमारी मांसपेशियों में लकवा लाता है। एक और दूसरे प्रकार का जो सांप होता है उसका जो जहर होता है वो बहुत जहरीला होता है, वो भी उसका जहर हमारा जो खून होता है हमारे खून को तोड़ने लग जाता है। तो जो हेमाटोटॉक्सिक जो जहर होता है उसमें ब्लड की जो कोशिकाएँ हैं RBC वगैरह वो टूटने लग जाती है, जहाँ पर भी सांप काटेगा वहाँ से
खून बहने लग जाएगा, रुकेगा ये नहीं, खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो ये सारे के सारे लक्षण आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, इसका तरीका क्या होता है, इलाज क्या होता है, रोगी को जितनी जल्दी हो सके एक अच्छी सुविधा वाले हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। उस हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर की सुविधा भी होनी चाहिए और वहाँ पर एंटी स्नेक मिनम एक प्रकार का एक दवाई आती है, और जो सबसे पेटेंट दवाई है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवाई है, एंटी स्नेक विनम, ठीक है, ये दवाई वहाँ पर होनी चाहिए और उसको लगाने वाले डॉक्टर जो है वो भी एक्सपर्ट होने चाहिए। तो फिर ये एंटी स्नेक विनम ये दवाई उस रोगी को चढ़ाई जाती है। इसको, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एंटी स्नेक विनम एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, कितनी दवाई दी जाती है, कितनी कितनी देर में दी जाती है, सब बताऊंगा। उस विनम की भी एलर्जी हो जाती है कभी कभी, तो रोगी को कई दिन तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है, ये दवाइयाँ चलती है। और बहुत सारे लोग, मैं बताऊँ, मेरी नज़रों में अभी तक जितने रोगी आए हैं सब बच के गए हैं, कोई भी पेशेंट एक्सपायर नहीं हुआ है। हाँ, घबरा जरूर जाते हैं लोग, तो घबराना नहीं होता है, पर सुविधा वाले हॉस्पिटल में लेकर के रोगी को जाओगे तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को सांप काट ले और किसी बड़े आदमी को, बुजुर्ग को सांप काट ले, तो बच्चे का वजन जो है वो है मान लीजिए सिर्फ 10 किलो और जो बड़ा आदमी है उसका वजन है 50 किलो या 80 किलो, तो ऐसी स्थिति में जो दवाई दी जाती है सांप के जहर को काटने के लिए वो दोनों में समान मात्रा में दी जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 इंजेक्शन बच्चे को बड़े को लगेंगे तो 5 ही इंजेक्शन बच्चे को भी लगेंगे, उसका कारण क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप सोचिए जरा पहले, और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका आंसर भी मैं अभी साथ साथ दूंगा, पर वीडियो को पॉज करके पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कारण ढूंढिए कि भाई क्या हो सकता है ऐसा कारण, क्यों दोनों में समान मात्रा में डोज दी जाती है। इसका जो कारण होता है इसके पीछे समान मात्रा में देने का, वो होता है जहर। जब भी सांप किसी को काटता है तो वो जो उसके मुँह से, उसके दांतों से निकल करके जो जहर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो उतनी मात्रा में आता है, चाहे वो बच्चे में जाए चाहे वो बड़े में जाए। तो इसलिए उस उतनी मात्रा के जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिल्कुल ख़त्म करने के लिए ये जो दवाई दी जाती है वो समान मात्रा में दी जाती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं बहुत बहुत ज़्यादा लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आजकल, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।